नमस्कार, आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज। नोएडा के सेक्टर 18 में चल रहे हाई प्रोफाइल सेक्स रैकेट के गोरख धंधे का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने यहां से विदेशी समेत 25 युवतियों को गिरफ्तार किया है, साथ ही 10 युवकों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस की टीम ने जिस समय स्पा सेंटर पर छापा मारा, उस वक्त वहां मौजूद आपत्तिजनक हालत में मिले जोड़ों में अफरा तफरी मच गई। पुलिस भी इसे देखकर हैरान रह गई। गौतम बुद्ध नगर के नोएडा के सेक्टर 18 के 14 स्पा सेंटरों में स्पा व मसाज के नाम पर विदेशी युवतियों से देह व्यापार कराया जा रहा था। पुलिस ने देर रात 15 टीमों ने 3 घंटे के ऑपरेशन क्लीन चलाकर स्पा सेंटरों पर छापा मारा। इस दौरान थाईलैंड की 5 विदेशी महिलाओं समेत 25 युवतियों को गिरफ्तार किया गया, साथ ही 10 युवकों को भी पुलिस ने मौके से पकड़ा। पुलिस ने सभी 14 स्पा सेंटरों को सील कर उनके मालिकों के बारे में पता लगाना का शुरू कर दिया है। देर रात तक चली कार्रवाई के दौरान पुलिस ने 1,00,000 रुपए भी नकद बरामद किए। स्थानीय पुलिस को कार्रवाई की जानकारी तक नहीं दी गई। रविवार की शहर में ऑपरेशन क्लीन के तहत 18 सोएडा के 18 स्पा सेंटरों मसाज सेंटरों पर पुलिस के कार्रवाई के दौरान अफरा तफरी का माहौल रहा। पुलिस के मुताबिक 30 स्पा सेंटरों में युवती और युवक आपत्तिजनक हालत में मिले, जबकि 11 सेंटरों में आपत्तिजनक वस्तुएं बरामद की गई, जिनसे वहां देह व्यापार के रहने की पुष्टि हो गई। SSP वैभव कुष्ट ने बताया कि स्पा और मसाज सेंटर 11 में देह व्यापार कराए जाने की शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद पुलिस की 15 टीमों का गठन किया गया, ऑपरेशन क्लीन चलाया गया। सभी टीमों ने स्पा सेंटरों में छापा मारा। SSP ने बताया कि स्पा सेंटर के मालिकों के बारे में पता लगाया जा रहा है। फिलहाल पुलिस ने सभी को पकड़कर थाने में बैठाया और इसकी जांच हो रही है। आप देख रहे हैं सबसे तेज न्यूज ब्यूरो की रिपोर्ट। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, साथ ही हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। लेटेस्ट वीडियो अपडेट के लिए घंटी बटन दबाएं।